तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये इसमें एक संदेश ये है साफ तौर पे, बाहर के अपराधी जो यहाँ आके अपराध कर रहे हैं और उन सभी केसेस में पुलिस उन तक पहुंची है, उनको हम पकड़ के लेके आए हैं, तो सभी के लिए मैसेज है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर बाहर की कोई भी गैंग, कोई भी इस तरह के अपराधी तत्व जिला सिरमौर में यदि इस तरह का कोई भी प्रयास करेंगे, कोई भी दुस्साहस किया, तो पुलिस टीम उन तक पहुंचेगी और उनको जो उनकी वाजिब जगह है जेल, वहां पहुंचाया जाएगा। अभियोग संख्या 31/2024, थाना कालाम। इसमें पशु चोरी के कुछ बहुत सारे मामले हुए पिछले दिनों में, जिसमें कि 3 FIR ऑलरेडी पहले से दर्ज थी और एक और FIR दर्ज हुई दिनांक 5 मार्च को। और इसमें यह था कि जो चोर आए थे, उन्होंने जब लोग जाग गए, उन्होंने पीछा किया तो उन पर फायर भी किया गया। इस संदर्भ में हमने जो देसी कट्टा वो भी बरामद किया, अपराधी को भी हमने पकड़ा है। और ये सामने आया कि इसकी संलिप्तता बहुत सारे केसेस में और भी है, जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल और यूपी की तरफ इन लोगों की संलिप्तता है पशु चोरी के, पशु लूट के, इस तरह के कारोबार, ये लोग ये इस तरह के काम में संलिप्त रहे हैं। जो अपराधी है, जो इसमें मुख्य आरोपी है, वो जिला यमुनानगर का रहने वाला है, असलम उर्फ इस्लाम पुत्र नियामुद्दीन, गांव खैरी, थाना प्रतापनगर, जिला यमुनानगर। और इसके साथ आरोपी सद्दाम, इसको भी हमने पकड़ा है। साथ ही साथ जो देसी कट्टा है वो भी हमने बरामद किया है। इसमें जो सुसंगत धाराएं थी उसके तहत हमने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें धारा 307 बी के ऊपर लगी। और ये दोनों आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो टेम्पू जिससे इन्होंने इस चोरी में चोरी करने की कोशिश करी और पिछली चोरियों में इन्होंने जिसका इस्तेमाल किया, वो भी हमने बरामद किया है। 5 राउंड और देसी कट्टा, वो भी हमने इसमें बरामद किया है। हमने ये पाया, पिछली चोरियों का एक ही पैटर्न था, चोरियाँ सोमवार को होती थी, क्योंकि फिर पता किया तो मंगलवार को सहारनपुर में एक बड़ी बड़ा मार्केट होता है पशुओं का, जो वीकली लगता है, तो ये सोमवार को चोरी करते थे और मंगलवार को वहाँ ले जाके पशुओं को बेच दिया जाता था। इसमें जो पिछले 3 और केस दर्ज है, टोटल 4 केस हमारे यहाँ पशु चोरी के दर्ज हुए थे और ये सारे केस इसके जरिए हम खोल पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये केस दिनांक 21 फरवरी को दर्ज हुआ था और ये NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें अभी तक हम 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक है और बाकी आरोपी हरियाणा के विभिन्न स्थानों के हैं। इस केस में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम कर रहे हैं और नशे के खिलाफ अभी तक इस साल 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें टोटल 33 नशा तस्करों को हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और जिला पुलिस की जो टीम है, विशेष टीम हम गठित कर रहे हैं चुनाव के दौरान, जो इन लोगों पे सख्ती से नजर रखेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।